रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मेन मौजू है कि बकरे को मोशन लग जाए तो क्या करें, यानी कि मोशन भी कहते हैं, ये भी कहते हैं बकरा आज ना यानी कि छुड़क गया है। हमारी जो बकरों की लैंग्वेज में जो बकरा एक्सपर्ट उन्होंने रखे हुए हैं, बकरा छुड़क जाए या हवा लग जाए बकरे को, मोशन लग जाए, उसका सबसे अच्छा जो देसी नुस्खा है ना, देसी टोटका, बड़ा बेहतरीन सा है और है भी कोई मेरे ख्याल से तो 100-150 रुपया लगता है, तो आप इसे 3-4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने 50 ग्राम गुड़ लेना है और 50 ग्राम सौंफ और 85 ग्राम जवैन, तीनों चीज़ें हम वजन लेनी है, और हम वजन चीज़ें ले के तीनों इन्हों को ना पीस लेना है, यानी कि गुड़ के अंदर वो चीज़ें रख के पहले चीज़ें पीस लें, यानी कि सौंफ और जवैन, उसे बारीक कर लें। उसके बाद फिर आपने गुड़ को ना सौंफ जवैन के अंदर डाल, सौंफ जवैन गुड़ के अंदर डाल के ना, तो दोरे डंडे से उसे यानी कि उसे पीस लें दोरे डंडे से, ताकि वो ना एक जान हो जाए। तो फिर आपने बकरे के हिसाब से, अगर छोटा बकरा है तो उसे छोटी सी पिनी दे दें, तकरीबन क्या लें 20 ग्राम की, अगर बड़ा बकरा है तो उसे चाहे आप 50 ग्राम दे दें, तो इंशाल्लाह आप एक दफ़ा दें दिन में, एक दफ़ा सुबह दें और एक दफ़ा रात को दें, इंशाल्लाह एक दिन में फ़र्क पड़ जाएगा बकरे को, बकरे के मोशन, लूज मोशन ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, और बकरे को हवा से बचाएं उस दिन। और ये अक्सर ये अब सर्दियों का मौसम है, ये त्रेल वगैरह बड़ी पड़ती है, जिन बंदों ने छतों में बकरे रखे हुए हैं तो वो ज़्यादा त्रेल से बचाएं, दोपहर के टाइम धूप में बांध दिया करें और रात को बकरों को अंदर बांध दिया। बाकी ये जो नुस्खा बताया है ये टोटका बड़ा बेहतरीन है, इससे 2-3 दिन नहीं एक ही दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर किसी के बकरे को ये हुआ है तो एक दिन ये करके देखे, इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर और किसी चीज़ की रहनुमाई चाहिए हो तो बता देना आप, तो इंशाल्लाह वो भी दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।